इन दिनों युवाओं में एमडी और ड्रग्स का सेवन बढ़ते जा रहा है, जिसके कई मामले सामने भी आ रहे हैं। नागपुर के टेकानाका, मोमिनपुरा और जरीपटका इन इलाकों में एमडी की चोरी, छुपे बिक्री और सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। इसलिए जरीपटका, यशोधरा और तहसील पुलिस थाना द्वारा नागरिकों को आह्वान किया जा रहा है कि आपको कोई भी इस तरह की जानकारी हो तो पुलिस को आकर जरूर बताएं। मादक द्रव्य का सेवन, जिसे नशीली दवा के सेवन के रूप में भी जाना जाता है, उस पदार्थ के उपयोग के एक दोषपूर्ण अनुकूलनीय पद्धति को सूचित करता है जिसे निर्भर नहीं माना जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से आपका ब्रेन सही से काम करना बंद कर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज की रिपोर्ट है कि ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स सभी प्रभावित होते हैं। ब्रेन स्टेम आपके रोजाना जीवन के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें नींद, श्वास और हृदय गति शामिल है, जबकि लिम्बिक सिस्टम्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अधिकांश सरकारों ने कुछ खास प्रकार की नशीली दवाओं के उपयोग को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कानून का निर्माण किया है। इन नशीली दवाओं को अक्सर गैरकानूनी दवाएं कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से बिना लाइसेंस के उनका उत्पादन करना, वितरण करना एवं उन्हें अपने अधिकार में रखना गैरकानूनी है। इन दवाओं को नियंत्रित मादक द्रव्य भी कहा जाता है। सरकार अधिकार के लिए भी कानून दंड काफ़ी कठोर हो सकते हैं। विभिन्न देशों में और उनके भीतर भी कानून में भिन्नता हो सकती है और पूरे इतिहास में कानून व्यापक रूप से बदलते रहे हैं, इसलिए नागरिकों को इसके प्रति चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वीकेबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।